उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर कमाल कर गया और अब यही कमाल भाजपा मध्य प्रदेश में करना चाहती है, इसलिए यहां मामा का बुलडोजर चलाया जाएगा। इस लाइन के साथ वो अगले विधानसभा चुनाव में जाने की तैयारी कर रही है। इसके साफ संकेत हाईकमान से मिल गए हैं और शिवराज ने भी इसी स्ट्रेटजी पर काम करना शुरू कर दिया है। हाल ही में उन्होंने एक बयान देते हुए कहा कि मामा का बुलडोजर चला है, जब तक बदमाशों को दफन नहीं कर देगा रुकेगा नहीं। दरअसल यह एग्रेशन दिखाने की दो वजह है। इसमें से पहली है यूपी चुनाव के नतीजे। तमाम अटकलों को खारिज करते हुए बाबा ने बुलडोजर से हीरो वाली छवि गढ़ी और हार्ड कोर कैंपेन चलाया है, उसने सारे समीकरण ही बदल दिया। और दूसरी वजह है कि पिछले एमपी विधानसभा चुनाव का सबक, तब बीजेपी का नारा था माफ करो महाराज हमारा नेता शिवराज, पर यह चला नहीं और सरकार गवाह बैठे हैं। विश्लेषण के सामने आया कि पार्टी ने अपनी लाइन लंबी करने के बजाय विरोधियों पर ज्यादा फोकस कर दिया था। दोनों वजह को मिलाकर यह लगभग तय हो गया कि एमपी में हार्डकोर हीरो की तरह कैंपेन चलाया जाए तो सत्ता पाने की राह मुश्किल नहीं।